रायगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एडिशनल कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी 21 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिसमें नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने, माध्यमिक शिक्षा में निजीकरण की आड़ में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने, शिक्षकों को गैर शिक्षक के कार्य से मुक्त रखने सहित कई मांगे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडिशनल कलेक्टर को दिया है। अपने ज्ञापन में उन्होंने स्वायत्त माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य स्तर पर करने की मांग रखी है। अपनी 21 सूत्रीय मांगों में उन्होंने नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने, माध्यमिक शिक्षा में निजीकरण की आड़ में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने, शिक्षकों को गैर शिक्षक के कार्य से मुक्त रखने, सेवानिवृत्ति की आयु एक समान 65 वर्ष रखने, पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाने, चाइल्ड केयर लीव के स्थान पर फैमिली केयर लीव की सुविधा देने, ग्रेडिंग सिस्टम को हटाए जाने, उच्च योग्यता धारी शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग अपने पत्र में रखी है। एडिशनल कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार को अपना मांग पत्र शिक्षक संघ ने सौंपा है। शासन स्तर की सभी मांगों को अपने ज्ञापन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसे आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। परेशानी तो नहीं, हम लोगों ने जो शिक्षक की समस्याएं हैं वो शिक्षक संघ और अखिल भारतीय शिक्षक संघ ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों ने जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसके लिए 21 सूत्रीय मांगे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उस पर सहानुभूति विचार करने को निवेदन किया है। क्या कहें महोदय, वो तो लंबा चौड़ा 21 मांगे हैं, यदि आप चाहें तो। महोदय क्या कहें, महोदय ऐसा है कि भाई हम तो अपनी मांगे रख सकते हैं, मानना नहीं मानना या उस पर सहानुभूति विचार करना वो उनके ऊपर है। तो उसमें प्रमुख मांगे हैं हमारी सातवें वेतन को लेके है पहली बात, और दूसरी है कि शिक्षकों का जो रिटायरमेंट है वो 65 वर्ष करने का है, और GPF से संबंधित मसले हैं बहुत सारे, और सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि जितनी भी शिक्षा है पूरे एक ही मतलब इंडिया में जितने भी हैं एक ही वो मंत्रालय होना चाहिए और एक ही समान शिक्षा होना चाहिए सबके लिए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। शिक्षक संघ वाले आए थे, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और CM के नाम से ज्ञापन दिए हैं, उसमें 21 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन है जिसमें सविलियन का भी है, उनके पदोन्नति प्रक्रिया सरल बनाने के लिए है और शिक्षकों को जो है अन्य कार्य से मुक्त करने के संबंध में है, तो संबंधित जो जिसके नाम से ज्ञापन है उसको भेजा जा रहा है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।